हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट। हमने सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज अपलोड किए थे एंड मैच द फॉलोइंग अपलोड किए थे, जो कि बेसिकली आपके बिट क्वेश्चंस ही हैं। हमारे पास जो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग से कवरेज होती है एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो होती है 25 मार्क्स की। आप इस 25 मार्क्स के लिए जनरली प्रैक्टिस करके नहीं जाते, और क्योंकि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो आपको इस 25 मार्क्स में से जहां हमें पूरा 25 मार्क्स मिलना चाहिए वहां कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो जितने क्वेश्चंस आपके बिट क्वेश्चंस में हैं, एटलीस्ट उसको आप प्रैक्टिस करके जाओ। ये हमारा सजेशन पहले भी था। हमने ये चीज़ भी बताई थी कि हम पेपर 5 एंड पेपर 12 पे डिस्कशन करेंगे। पेपर 5 भी रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंट से एंड पेपर 12 रिलेटेड है कंपनी अकाउंट से, तो ये पोर्शन हम डील करेंगे। बट बाकी सब्जेक्ट्स आपको खुद से प्रैक्टिस करके ही जाना होगा। एंड मेरा ये सजेशन रहेगा कि बिट क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो सारे बिट क्वेश्चन आप प्रॉपर करके जाओ, क्योंकि हर पेपर में 25 मार्क्स की कवरेज तो बेटा यहीं से होनी है ना। अब पेपर 5 की अगर हम बात करें तो हमने एमसीक्यूज पे एंड मैच द फॉलोइंग में तो डिस्कशन कर लिया था। हमारा जो डिस्कशन ड्यू था वो था फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, जिस पे अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये पीडीएफ सबके पास अवेलेबल होगी। अगर ये पीडीएफ नहीं होगी तो बताना, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए हुए हैं, और इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद मेरा सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पर डिस्कशन रह जाएगा। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि डिस्काउंट होता कितने तरह का है। दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में? अब देखो, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि सबने देखा होगा कि किसी मॉल के बाहर, शोरूम के बाहर, किसी शॉप के बाहर लिखा रहता है 15% फ्लैट डिस्काउंट, सेल लिखी होती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्योंकि देखो, सिंपली होता क्या है ना कि ये डिस्काउंट हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप नोन होगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आप जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये 15% का डिस्काउंट तो हर एक कस्टमर को मिलने वाला है। बट कैश डिस्काउंट किसको मिलता है बेटा? सिर्फ उनको जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, मतलब तुरंत पेमेंट करते हैं ना, उनको हम देते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर? तो अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो भाई हमको तो पता है कि हम हर कस्टमर को 15% लेस पे सेल कर रहे हैं, तो क्या इसको रिकॉर्ड करने की बुक्स में ज़रूरत है? नहीं। आप सारी सेल किस पे रिकॉर्ड करो? 85% पे, क्योंकि हमें पता है कि सारी की सारी सेल्स 85% पे हुई है। बट कैश डिस्काउंट हम उनको देते हैं जो जल्दी पेमेंट करते हैं। तो किसी को 2% देते हैं, किसी को 5% देते हैं, और किसी को 10% देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ डेज में हमें पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो कैश डिस्काउंट, क्योंकि कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, इसलिए हम कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बट ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? तो देखो, यहाँ पे यही चीज़ कह रहा था, द डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट ऑब्वियस किस डिस्काउंट की बात करें? ट्रेड डिस्काउंट की। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन द डैश रेशियो। अब देखो, वैसे भी इन जर्नल याद रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की या रिवैल्यूएशन लॉस की, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जितना भी हमारा रिजर्व्स वगैरह होता है बैलेंस शीट में, ये सब, मतलब बेसिकली जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं ना, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सिर्फ गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है या गेनिंग रेशियो में होती है। बट बाकी चीज़ें जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है, रिजर्व्स है बैलेंस शीट के, वो हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ गुड सेंड टू कंसाइनी द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय। अब देखो, अब आप लोग पूछोगे मैम व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस, तो हमने कंसाइनमेंट सीए फाउंडेशन में बताया भी था कि कंसाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो पार्टी होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी।
यहाँ बेसिकली क्या होता है कि कंसाइनर अपना गुड्स सेंड करता है, किसको बेटा, कंसाइनी को, सेल नहीं करता, हम सेंड बोल रहे हैं, सेल नहीं बोल रहे हैं, तो वो अपना गुड्स सेंड करता है, क्यों सेंड करता है, ताकि कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे उसको मार्केट में सेल करे। अच्छा, तो सेल के टाइम आप क्या देते हो, इनवॉइस देते हो, जहाँ पे ये लिखा रहता है कि आपने कितनी यूनिट सेल की है, क्वांटिटी, किस रेट पे सेल किया एंड सो ऑन। बट जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है, सेंड कर रहा है, तो वो एक्चुअल में सेल तो कर नहीं रहा है, तो उस केस में क्या वो उसको इनवॉइस दे सकता है? नहीं। तो वो क्या करता है ना, एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस देता है, मतलब इनवॉइस जैसा दिखने वाला एक इनवॉइस, जहाँ पे वो सारी वही चीज़ मेंशन करता है जो इनवॉइस में लिखी रहती है कि कितनी यूनिट्स भेजी उसने, कितना रेट, किस रेट पे भेजा। बट बेसिकली प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्यों भेजा जाता है, सो दैट कंसाइनर के पास एक प्रूफ रहे कि उसने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है। बट क्या ये ओरिजिनल इनवॉइस है? नहीं, ये ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है। इसलिए ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं है बेटा, सेंड है। क्लियर? तो सिंपली प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन प्रिपेयर करेगा? बट ऑब्वियस कंसाइनर ही प्रिपेयर करेगा। किसके लिए? कंसाइनी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द डैश ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट ऑल्टर्ड बट ऑब्वियस बुक वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी वैल्यू दी रहती है ना बेटा असेट और लाइबिलिटी की, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि हमें इस असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को एज इट इज टेक ओवर करना है, या कह लो कैरी फॉरवर्ड करना है करंट ईयर बैलेंस शीट में। दैट इज, इसमें हम कोई भी ऑल्टरेशन नहीं चाहते। तो जब आप ऑल्टरेशन नहीं चाहते पर स्टिल क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है या इंक्रीज करना है 10%, तो अब आप क्या करोगे? भाई आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ जाती, तो आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो जहां एक बार आप 10% से वैल्यू बढ़ाओगे और एक बार 10% से वैल्यू घटाओगे। तो उससे होगा क्या कि बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू ही होगी जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिख रही होगी। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है वो किस पे दिखेगी? बुक वैल्यू पे। वही चीज हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर होगा बुक वैल्यू। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपनड एट द टाइम ऑफ द फर्म। हम सबको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट तब ओपन होता है जब फर्म बंद होने वाली है, दैट इज डिसॉल्व होने वाली है, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम हम कभी भी अपने असेट्स को रीवैल्यू तो कर नहीं सकते बेटा। तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन सब कुछ बेच करके ख़त्म करते हैं और जिसका भी पेमेंट करना है उसको पेमेंट करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, कि सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रियलाइज करना। तो ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है? डिसोल्यूशन के टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 12th April 2017 फॉर 4 months, द डेट ऑफ मच्योरिटी विल बी। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर बिल है तो 3 दिन का ग्रेस टेस्ट तो होगा ही होगा, तो 12th April से 4th month 4 months ऐड कर लो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, सीधे सीधे क्या लिखा है, 4 महीना। तो 12th April, फिर 12th मई, 1 महीना बीता, 12th June, 12th July एंड 12th August। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 4 months है ना, तो सीधे सीधे हम लोग 12th date को लेंगे। इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15th of August। अब हमें पता है कि 15th August क्या है, गैजेटेड हॉलीडे, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे। तो उस केस में ये कोई इमरजेंसी हॉलीडे तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले पेमेंट कर देते हैं। रूल यही है कि अगर गैजेटेड हॉलीडे है या पब्लिक हॉलीडे है तो आपको एक दिन पहले ही पेमेंट कर देना होता है, और अगर मान लो इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद पेमेंट करते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14th of August 2017। नेक्स्ट, द पार्टीज ऑफ जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड। अगर पार्टीज पूछ रहा है जॉइंट वेंचर का तो उसको हम कहते हैं बेटा को वेंचरर। अगर पार्टनरशिप फर्म का पूछता तो हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन इन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन ना एनपीओ में हमने बताया भी है कि ये हमारी इनकम है, तो इनकम के लिए अगर आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये पैसा अभी हमें मिलना है, तो ये हम कहाँ दिखाते हैं, हमेशा असेट साइड। और अगर एडवांस पूछता तो हम कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू AS2 इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। हमेशा क्या करते हैं, लोअर लेते हैं, किसका, कॉस्ट या NRV का। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ऑफ द बट ऑब्वियस करेंट ईयर। सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के लिए ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे इफ इन केस मान लो आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, आपने बोला कि हम आपको हर महीने सैलरी देंगे 10,000। उससे भी अच्छा एग्जांपल लो जो तुम लोग को समझ में आएगा, हर किसी के घर में ऑलमोस्ट मेड होती है ना, तो आप मेड को 1,000 रुपीज़ का मान लो पर मंथ पे कर रहे हो। क्लियर?
आपने उनको बोला कि हम हर महीने आपको 1000 देंगे। अच्छा, अब अगर मान लो आप नेक्स्ट मंथ उनको नहीं पे करते तो क्या वो आप क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो उस केस में ये किस तरह का खर्चा हुआ बेटा? रेकरिंग खर्चा हुआ, दैट इज जो हर बार आपको इनकर करना होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? वैसे ही आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जब इंप्लॉयज़ को रखा जाता है तो उनको सैलरी दिया जाता है। अगर हम उनको कहते हैं कि हम 1,20,000 की सैलरी आपको देंगे पूरे के पूरे साल, तो ठीक है वो पूरे साल तो हमारे लिए काम करेंगे, बट अगर अगले साल हम उनको सैलरी ना दें तो क्या वो मेरे लिए काम करेंगे? नहीं। तो इस सैलरी का फ़ायदा फर्म को कितने साल तक के लिए मिलेगा? सिर्फ करंट ईयर तक के लिए। क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका फ़ायदा हमें सिर्फ करंट ईयर के लिए मिलता है, एंड रेवेन्यू मतलब ही क्या होता है? रेकरिंग, दैट इज जो साल में कई बार आपको करना पड़ता है खर्चा। क्लियर? नेक्स्ट, द डेट्स विच मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड आर कॉल्ड बट ऑफ इज डाउटफुल डेट, क्योंकि वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अच्छा, हम सब ने डेट के केस में तीन तरह के डेट पढ़े होंगे। पहला होता है बैड डेट, फिर दूसरा होता है गुड डेट, और तीसरा होता है डाउटफुल। तो देखो यहाँ पे हम क्लियर भी कर देते हैं इसको। गुड डेट वो होते हैं जिनसे पूरी उम्मीद होती है, जिनकी श्योरिटी होती है कि वो हमें पैसा देंगे ही देंगे। बैड डेट्स वो होता है जो डूब गया, जो आपको नहीं मिलना है। बट डाउटफुल डेट क्या होता है? जिसके आपको उम्मीद होती है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि वो पैसा आएगा, बट डूब जाने की भी पूरी गारंटी नहीं होती। तो वो पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में हमसे वही चीज़ पूछा था कि द डेट्स विच मे और मे नॉट बी रियलाइज, तो ऐसे डेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? डाउटफुल डेट्स। क्लियर? नेक्स्ट, द डैश शोज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट बट ऑफ इज बैलेंस शीट, इस पर तो डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द बेसिस कैश एज वेल एज अक्रूअल। कैश बेसिस वो होता है जहाँ पे हम बुक्स में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में आई और कैश में गई, बट अक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि करंट ईयर से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, हम सब बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड बेसिस, या हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड बेसिस। नेक्स्ट, अ ट्रांजेक्शन फॉरगॉटन टू बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एन एरर ऑफ, देखो आप भूल गए हो, आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। अगर हम जानबूझ के करते तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? फ्रॉड। और अगर ये गलती से हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओमिशन, कि हम इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। और भूल जाना मतलब क्या है? पहली बात तो भूल गए, एरर है। और किस तरह का एरर है? क्योंकि हमने इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया तो वो ओमिशन है, दैट इज कहीं पे भी उसको हम लिखना भूल गए। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट द प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी बाय वन और मोर बट ऑफ इस कंप्यूटर। अगर कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी या प्रोसेस होगी? कंप्यूटर से। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट ऑफ कैश गुड्स और एनी अदर असेट्स विच द ओनर विड्रॉज फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। बट ऑब्वियस अगर आप अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, गुड्स निकाल रहे हो, या कोई भी एसेट्स निकाल रहे हो, तो ऐसी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। और अगर आप अपने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते तो हम उसको कहते हैं कैपिटल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असेट्स लाइक ब्रांड वैल्यू, कॉपी राइट्स, गुडविल आर नोन एज इनटैंजिबल असेट। फिक्स्ड तो है, ये सारे के सारे असेट फिक्स्ड असेट्स हैं, बट फिक्स्ड असेट्स में भी दो कैटेगरी है, एक टैंजिबल एक इनटैंजिबल। टैंजिबल वो होती है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बट इनटैंजिबल वो होती है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग नो डाउट हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो ये भी फिक्स्ड असेट है, बट एक ऐसा फिक्स्ड असेट है, टैंजिबल फिक्स्ड असेट। और अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल कोई देख सकता है नहीं, टच कर सकता है नहीं, तो ये भी फिक्स्ड असेट है, बट कैसा? इनटैंजिबल। क्लियर? नेक्स्ट, रिबेट इज गिवन इन केस ऑफ डैश ऑफ अ बिल। अच्छा, यहाँ पे देखो दो टॉपिक हम तुम लोग को समझा दें पहले। देखो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने हमेशा दो टर्म सुना है ना, वो हम यहाँ पे क्लियर कर दें। एक होता है रिन्यूअल और एक होता है बेटा रिबेट। ये दो टर्म होता है, इसका मतलब क्या है ये समझो। एक होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। अब इफ़ इन केस मान लो ए ने गुड सेल किया बी को क्रेडिट पे, और बी ने बदले में एक बिल दे दिया। इस बिल का पैसा वो बोला कि वो 2 मंथ्स बाद पे करेगा। तो बी को ये बात पता था कि उसके पास 2 मंथ्स बाद पैसे नहीं होंगे, तो वो ड्यू डेट आने के पहले या ड्यू डेट पे इस बिल को कैंसिल करा के कहता है कि इस बिल के लिए मेरे को फर्दर आप और 3 महीने का समय दो। क्लियर? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल।
अब ए बोलेगा कि ठीक है भाई, आप जो पैसा मेरे को 2 महीने बाद देने वाले थे, आप 3 महीने बाद और 3 महीने बाद आप पे करना। दैट इज़ ओवरऑल ये बिल का पेमेंट कितने महीने बाद होगा? 5 महीने बाद। तो ए ने परमिशन 2 महीने की तो दी थी, पर वो 3 महीने की परमिशन फर्दर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन सिर्फ एक ही शर्त पे देगा, जब बी ए को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। खुद सोचो, अब ए भाई उसको भी तो इन रिटर्न कुछ चाहिए ना। अगर ए को इंटरेस्ट मिल जाए बिल के पैसे के साथ साथ, तो ए मान जाएगा। तो ए बोलेगा कि ये 3 मंथ्स का आप जो फर्दर एक्सटेंशन ले रहे हो, इसका आप मेरे को इंटरेस्ट पे करो। तो इंटरेस्ट कितने महीने का पे करना होता है बेटा? ये फर्दर एक्सटेंशन का। क्लियर? ये आगे काम आएगा इसलिए बता रहे हैं। और रिबेट क्या होता है? कई बार होता क्या है कि जैसे ए ने जब बी को गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, तो बी ने एक बिल दे दिया। अभी इस बिल का पेमेंट उसने कहा कि हम आपको आफ्टर 2 मंथ्स करेंगे, बट बी के पास पहले पैसा आया, तो बी ने ए से बोला कि हम 1 महीने बाद ही इसका पेमेंट कर दे रहे हैं। अच्छा, तो ए एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट बी क्या बोलेगा कि जिसका पैसा, जिस बिल का पैसा हम आपको 2 महीने बाद देने वाले थे, वो हम आपको 1 मंथ एडवांस में पे कर रहे हैं, मतलब 1 महीने पहले पे कर रहे हैं, तो आप मेरे को बदले में कुछ बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा ना, बेनिफिट। तो उस बेनिफिट को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंट और रिबेट। तो इस रिबेट के प्रोसेस में किसका फायदा है? बी का फायदा है, दैट इज बायर का फायदा है, बट रिन्यूअल में किसका फायदा है? ए का, दैट इज सेलर का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा था रिबेट इज गिवन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट, जब आप ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देते हो, तो उस केस में जो बायर है उसको कुछ बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिबेट और डिस्काउंट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25% इन वॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी। तो ये तो सिंपल है भाई, कॉस्ट कितनी है? 4 लाख है, और हमने इसको भेजा कितने पे है? 25% बढ़ा के, तो 125% सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी 5 लाख। मतलब जिस गुड्स की वैल्यू 4 लाख थी, कंसाइनर चाहता है कि उसको 5 लाख पे सेल किया जाए, तो वो भेज कितने पे रहा है? 5 लाख पे। क्लियर? नेक्स्ट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन टू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। देखो, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, एज पर डैश कंसेप्ट बिजनेस इज अज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। अब देखो किस कंसेप्ट के बेसिस पे होता है, बट ऑब्वियस हम सबको पता है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात कर रहा है। अब अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कल को ये बिजनेस बंद होने वाला है, और क्योंकि हमारी प्लानिंग होती है कि ये इनडेफिनिट पीरियड, दैट इज इन्फिनाइट ईयर्स तक चलने वाला है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम खर्चों को रेवेन्यू एंड कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो खर्चे करंट ईयर से रिलेटेड हैं, जिनका फायदा सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा, उसको कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग पीएल में। और जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, उसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बनती ही इसलिए है क्योंकि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो। सेम प्रोसेस हम लोग अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं। हम में से कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि आज हमारा आखिरी दिन है। हम लोग हमेशा प्लानिंग किसके बेसिस पे करते हैं? ये मान के कि हमारी जो एज है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए, दैट इज़ फॉर इनफिनाइट ईयर्स के लिए। मतलब सबकी प्लानिंग उसी के बेसिस पे होती है ना। तो वैसे जब बिजनेस पे स्टार्ट करते हो ना, तो कभी भी उसको बंद करने के पर्पज से हम स्टार्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि आपने प्लानिंग की है कि ये बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, तभी तो आप खर्चों को या इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में। क्लियर? अगर मान लो हमें पता होता कि अगले साल हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, तो क्या हमारी बैलेंस शीट बनती? नहीं, सारे के सारे खर्चे कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल में। और ये प्रोसेस किसकी वजह से? ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और बाकी कंसेप्ट हमने क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से ना अगर आप चाहो तो अपने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी ले सकते हो। नेक्स्ट, डैश कैशबुक हैज़ 1 अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। एक अमाउंट कॉलम किस में होता है? बट ऑब्वियस सिंगल कॉलम कैशबुक में। तो क्या डबल कॉलम भी बनती है? हाँ, डबल कॉलम भी कैश बुक बनती है, जहाँ पे 2 अमाउंट कॉलम होता है बोथ साइड। एक कैश बैंक का हो सकता है, कैश डिस्काउंट का हो सकता है, या बैंक डिस्काउंट का हो सकता है। वैसे ही हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है, तो उस केस में 3 अमाउंट कॉलम होते हैं दोनों साइड, कैश का, बैंक और डिस्काउंट का। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ईच डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन
बट ऑब्वियस एक्टिविटी सेंटर हम ये मान के चलते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है और इसीलिए हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट लॉस हम अलग कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमें ये पता चल सके कि कौन सी एक्टिविटी का हमें बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए लॉस क्रिएट कर रही है। उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है और कौन सी डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट, डैश अकाउंटिंग पैकेज कैन सूटेबली मैच विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब देखो हर एक कंपनी को अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पैकेज चाहिए होता है। अकाउंटिंग पैकेज मतलब जैसे कोई टैली पे काम कर रहा है तो सबका अलग अलग अपना अपना सॉफ्टवेयर है ना। हमने देखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग सॉफ्टवेयर है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है जैसे कोई टैली यूज़ कर रहा है, कोई सैप यूज़ कर रहा है, तो हर किसी का अकाउंटिंग पैकेज नो डाउट अलग अलग होता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो उसको हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड मतलब क्या कि जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनवाया होगा उसको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज। नेक्स्ट, डेटर इज अ पर्सन हु ओज टू अदर। नेक्स्ट, द एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन द एक्चुअल लॉस इज डैश देन द सम अश्योर्ड। देखो एवरेज क्लॉज तभी एप्लीकेबल होता भी है बेटा जब एक्चुअल लॉस ज़्यादा होता है किससे, देन द सम अश्योर्ड। अगर हमने जितना सम अश्योर्ड किया है, जैसे अगर मान लो हमने 1 लाख इंश्योरेंस ली और हमारा लॉस हो रहा है 2 लाख का, तो उस केस में ना प्रपोर्शनेट रेशियो में हमें रिइम्बर्स किया जाता है। तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं प्रोपोर्शनेट रीइंबर्समेंट, तो उस केस में जब एक्चुअल लॉस ज़्यादा होता है किससे, सम अश्योर्ड से, तभी हमें एवरेज क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो एक्चुअल लॉस कम होता किससे, सम अश्योर्ड से, तो जितना लॉस हुआ है कंपनी हमें उतना पैसा दे देती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ना। लेट्स अगर सम अश्योर्ड है 4 लाख और एक्चुअल लॉस हुआ है 2 लाख, तो कंपनी हमें 2 लाख दे देगी, बात ही खत्म। बट अगर ये 1 लाख है कि हमने इंश्योरेंस 1 लाख की है बट लॉस 2 लाख हो रहा है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करना होता है। तो उस प्रोपोर्शनेट पेमेंट को हम कहते हैं यूजिंग ऑफ एवरेज क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट, व्हीकल्स रिप्रेजेंट डैश एक्सपेंडिचर व्हाइल रिपेयर्स टू व्हीकल मींस वुड मीन डैश एक्सपेंडिचर। व्हीकल मतलब क्या हो गया बेटा, असेट हो गया, और अगर असेट पे कोई खर्चा कर रहे हो तो कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर रिपेयर करा रहे हैं, अब ये कोई मेजर रिपेयर तो है नहीं, मेजर रिपेयर होता तो मेंशन होता, तो हम क्या मानेंगे कि ये नॉर्मल जो डे टू डे रिपेयर होता है या हर साल में छोटा मोटा रिपेयर होता है, ये उस रिपेयर की बात कर रहा है। तो उस पर रिपेयर किस तरह का खर्चा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन बींग ये रिपेयर कैसा खर्चा है, रिकरिंग खर्चा है। क्लियर। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टनर टू अ फॉरेन ट्रिप फॉर परचेज ऑफ एन असेट टू बी यूज फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमने सीएमए फाउंडेशन के टाइम भी बताया था कि सिंपली आप फॉरेन ट्रिप करो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो वो भी ठीक है, बट किस के लिए कर रहे हो, परचेज ऑफ असेट। तो अगर आप असेट खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हो तो बट ऑब्वियस वो कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर यहाँ पे परचेज ऑफ असेट की जगह रॉ मटेरियल होता बेटा, तो उस केस में ये कैसा खर्चा हो जाता है, रेवेन्यू खर्चा। नेक्स्ट, द विदड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग, सी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, एन अलाउंस बाय क्रेडिटर टू डेटर फॉर अ प्रॉम्प्ट पेमेंट इज, ये भी ऊपर डिस्कस किया था कैश डिस्काउंट, इसीलिए हमने ऊपर इसको डिटेल डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट। अगर हम लोग बात करेंगे बेटा इनकम एक्सपेंडिचर की ना, ये प्रॉफिट लॉस शो नहीं करता, ये क्या शो करता है, सरप्लस एंड डेफिसिट। क्यों, क्योंकि ये बनता है इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट ये अक्रूवल कंसेप्ट पे ही बनता है, सारे इनकम सारे एक्सपेंडिचर इसमें दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलो करता है। ये चीज़ हमने एनपीओ के कॉन्सेप्ट में बताया भी था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएल जैसा होता है एंड रिसीट एंड पेमेंट किसके जैसा होता है बेटा, कैश बुक जैसा। क्लियर। तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, और रिसीट पेमेंट क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश। अब प्रॉफिट पूछा है तो नो डाउट प्रॉफिट मतलब क्या, जब आपकी इनकम ज्यादा हो किससे, आपके खर्चे से। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपके खर्चे से तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट। नेक्स्ट, द बैंक अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की अगर बात करो तो ये हमेशा पर्सनल में ही आता है, और पर्सनल अकाउंट में क्यों आता है बेटा, क्योंकि तुम लोग कभी भी नहीं देखे होगे कि बैंक अकाउंट के नाम से कुछ खुला है ना। अगर आपने अपने बैंक में कोई अकाउंट खोला होगा तो देखा होगा कि आपके नाम से वो अकाउंट खुलता है, तो जब आपका नाम यूज हो गया तो वो कैसा अकाउंट हो गया, पर्सनल, और पर्सनल में भी कैसा, आर्टिफिशियल। क्लियर है। नेक्स्ट,
असेट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. देखो ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था. नेक्स्ट, डैश अमाउंट इज अ हायर ऑफ असेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज, बट ऑफ इज फेयर वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू ही एक ऐसा अमाउंट है जो कि हायर होता है किससे, असेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज से. नेक्स्ट, द डैश लॉस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. अब देखो जब आपने याद होगा जब हम लोग कंसाइनमेंट की इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते हैं तो दो तरह का लॉस होता है ना, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस. वैसे भी इन जनरल याद रख, नॉर्मल लॉस आप हमेशा लोगों से रिकवर करते हो, कस्टमर से रिकवर करते हो, एंड अबनॉर्मल लॉस आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल है, नाम से समझ में आ रहा है, जो कि आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, तो ये आप अल्टीमेटली किससे चार्ज करते हो, कस्टमर से. बट अब नॉर्मल लॉस की बात करो तो जैसे फायर अकर होना, तो ये आपकी गलती थी, आप इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे. तो इस लॉस का जो भी खर्चा होगा ना वो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना होगा, या आप चाहो तो इसका इंश्योरेंस करा सकते हो. क्लियर? तो नॉर्मल लॉस को आप अपनी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में इंक्लूड करते हो, जिससे आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है. जैसे अगर मान लो पहले 10 रुपये पर कॉस्ट पर यूनिट थी और आपने उसमें नॉर्मल लॉस इंक्लूड कर लिया, तो वो कॉस्ट बढ़ करके 12 रुपये पर यूनिट हो जाएगी. जैसे देखा है ना कि अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है तो अर्थक्वेक आने से हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सबको पता है कि अर्थक्वेक की वजह से तो सारे के सारे दुकानदार का लॉस है, सारे के सारे बिजनेसमैन का लॉस है. तो वो लोग क्या करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस इंक्रीज कर देते हैं. तो हर एक शॉपकीपर इंक्रीज करता है. और इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से. क्लियर? तो कौन सा लॉस हम इंक्लूड करते हैं बेटा इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज? नॉर्मल लॉस. नेक्स्ट, डैश इज अमाउंट बाय विच मिनिमम रेंट एक्सीड्स द एक्चुअल रॉयल्टी. अगर मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा है, तो हमने बताया था कि इसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं. बट अगर मिनिमम रेंट कम है एक्चुअल रॉयल्टी से, तो उस केस में शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट पॉसिबल है. नेक्स्ट, वाइल पोस्टिंग एंड ओपनिंग एंट्री इन द लेजर इन केस ऑफ एन अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इन पर्टिकुलर्स कॉलम द वर्ड्स डैश आर रिटन ऑन डेबिट साइड. अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो हम कोई लेजर ओपन कर रहे हैं, लेट्स से किसी का भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं और इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब टू बैलेंस BD है इन पर्टिकुलर कॉलम. हम सबको पता है कि पहला कॉलम डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर का, फिर लेजर फोलियो का, फिर अमाउंट का. ऐसे इस साइड भी होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट. तो क्या लिखेंगे? द वर्ड्स डैश आर रिटन ऑन द डेबिट साइड. देखो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD लिखते हैं ना. अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस पूछता तो क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस CD. क्लियर है? तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस BD. नेक्स्ट, BD मतलब क्या हो गया? ब्रॉड डाउन. इसकी जगह हम लोग BFP लिखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ. देखो डेप्रिसिएशन ना हमेशा एक प्रोसेस माना जाता है अलोकेशन का. जनरली लोगों को लगता है कि ये वैल्यूएशन है, बट ये किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन नहीं होती. जैसे लेट्स से अगर हमारे पास एक असेट है बेटा 10 लाख का, और लिखा हुआ है कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स की, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2-2 लाख से हर साल वैल्यू घटाते हैं. तो देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग असेट की जो कॉस्ट प्राइस है उसको अलोकेट कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग ईयर में अलोकेट कर रहे हैं. यहाँ किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन होती है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का अलोकेशन होता है अलग अलग साल में. क्लियर? तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ हम अलोकेशन करते हैं, ना कि किसी चीज़ का वैल्यूएशन. नेक्स्ट, फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया भी था. नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड कंसाइनर इज दैट ऑफ नो डाउट. रिलेशनशिप कैसा है? एजेंट एंड प्रिंसिपल. और क्यों है ये भी समझ लो. अब देखो हमने ऊपर बताया था ना कि जब दो पार्टी है, लेट्स से ए और बी है, ए ने अपना गुड्स भेजा किसको? बी को, और बी ने उसको मार्केट में सेल किया. तो ए जब गुड सेंड कर रहा है बेटा, सेल तो कर नहीं रहा है. जब सेल नहीं कर रहा है तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पोजीशन किसके पास होता है? बी के पास. और बी के पास पोजीशन क्यों है? ताकि वो मार्केट में सेल कर सके. बट K
किसी भी तरह के लॉस के लिए क्या बी लायबल होगा? नहीं, हर चीज़ की लायबिलिटी किस पे होती है? ए पे। कोई भी अगर खर्चा बी अपनी पॉकेट से करता है तो वो भी कौन रीइंबर्स करेगा? ए। तो यहाँ ओनर कौन है? स्टिल ए ओनर है। जब तक गुड्स मार्केट में बिक नहीं जाता तब तक ओनर कौन होता है? ए। तो बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा हो गया? प्रिंसिपल एजेंट का, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये कुछ भी करेगा तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी होगी? ए की। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे पहले कंसाइनी और फिर कंसाइनर पूछा था, इसीलिए रिलेशनशिप कैसा है? एजेंट एंड प्रिंसिपल। क्लियर? नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन को वेंचरर्स इज दैट ऑफ को ओनर, क्योंकि सब के सब वहां पे ओनर होते हैं और ओनर किस रेशियो में होते हैं? जो उनके बीच में अग्रीड होता है, ये जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, नेटवर्थ इज एक्सेस ऑफ, देखो नेट वर्थ ये कहाँ यूज होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम सबको पता है तीन चीज़ होती है, ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी है और ये नेट वर्थ है। तो नेट वर्थ में बेसिकली शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाएगी। तो नेट वर्थ क्या है बेटा? असेट माइनस लायबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असेट्स ओवर लायबिलिटी। क्लियर? या फिर कह सकते हैं टोटल असेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट, द सेल्स परचेज ओपनिंग स्टॉक, सब कुछ दिया है। इफ़ द रेट ऑफ जीपी इज इतना ऑन कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी। अब देखो जीपी का रेट किस पे दिया है बेटा? कॉस्ट पे दिया है। अच्छा, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है, तो हम अगर सीधे सीधे करें सेल्स माइनस जीपी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सी ओ जी एस आ जाएगा, आ जाएगा। अब सी ओ जी एस मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये दिया ये दिया, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन में जीपी किस पे दिया है? कॉस्ट पे। तो सबसे पहले हम इसको किस पे निकालेंगे? सेल्स पे। और इस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ना बेटा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों का इशू होता है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के नाम से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप ये क्लास कवर कर लेना। बट यहाँ पे हम एक बार समझा देते हैं कि लेट्स से अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 50। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 150। जब हम कॉस्ट पे प्रॉफिट रेशियो निकाले तो 50% आ रहा है। तो अब आप लोग कैलकुलेट करके देख लो सेल पे। तो सेल पे कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इनटू 100। तो ये हो जाएगा 33.33%। क्लियर? तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे 50% है तो सेल पे कितना होगा? 33.33%। अब देखो सेल मेरे पास दिया हुआ है 180, इसमें से अगर हम जीपी माइनस कर दें जो कि बेसिकली इसका 1/3 होगा तो 60 आ जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा? 120 मेरे पास क्या हो जाएगा? COGS। अब अगर मेरे पास COGS दिया है दैट इज़ 120, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास दिया है बेटा 33 लाख का, परचेजेस दिया है 129 लाख का, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक। इसका वैल्यूएशन जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 42 लाख, क्योंकि सारी वैल्यूज लैक्स में है, तो रुपीज़ 42 लाख आपका आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जीपी इज द सम ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस डैश स्टैंडिंग चार्जेस। जब भी हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की बात करते हैं तो इंश्योर्ड को यहाँ कवर करते हैं। अगर स्टैंडिंग चार्जेस की बात करें ना फिक्स्ड चार्जेस की, तो फिक्स्ड चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक इंश्योर्ड होते हैं और एक अनइंश्योर्ड होते हैं। तो अनइंश्योर्ड पोर्शन हम कभी भी नहीं लेते हैं, हम सिर्फ उन खर्चों को लेते हैं बेटा जो इंश्योर्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट टू बी अलाउड इतना पर मंथ ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन दिया है बिफोर चार्जिंग। इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन इज इतना, देन मैनेजर्स कमीशन विल बी। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दें कि जब हम लोग बात करते हैं मैनेजर्स कमीशन की ना, तो मैनेजर्स कमीशन में तुम लोग देखे होगे कि दो चीज़ होता है, एक तो होता है बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट, एक होता है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। लेट्स से अगर ये 10% है तो हमेशा याद रखना बिफोर चार्जिंग में हम हमेशा करते हैं 10/100 और आफ्टर चार्जिंग में करते हैं 10/100+10। क्लियर? तो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना है? 0.75% पर मंथ। पहली बात तो ये पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देंगे तो पूरे साल का आ जाएगा। किस पे? कैपिटल पे। मैनेजर्स कमीशन कितना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, मतलब 5/100 करेंगे। अच्छा, अब देखो नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना है बेटा? 14.85। तो इसमें से हम क्या माइनस कर दें? इंटरेस्ट माइनस करें ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट देखो निकालोगे कैसे? 60 लाख है इनटू
यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 0.75% पर मंथ, तो जैसे ही इंटू 12 करोगे ना, ये आ जाएगा 9%। क्लियर? तो इसका 9% निकालते ही वैल्यू आएगी 5.4। तो अब 5.4 माइनस करोगे तो आ जाएगा वैल्यू 9.54। मतलब ये नेट प्रॉफिट कब है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अब इसमें से आप लोग मैनेजर्स का कमीशन लेस करो, मैनेजर्स कमीशन कितना है, सीधे इस पे आपको निकालना है 5%, दैट इज 0.4725। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, मैनेजर्स कमीशन ही पूछा था, तो हमारे पास कितना आया है 0.4725। क्या है, लैक्स है ना, सारी वैल्यू लैक्स में है, तो इंटू 1 लाख कर दो, तुम लोग के पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आएगी 47,250। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था मैनेजर्स कमीशन, और मैनेजर्स कमीशन की वैल्यू आएगी 47,250। पॉइंट में भी चाहते तो लिख सकते थे 0.4725, बट फिर आगे लैक्स लिखना होता। क्लियर? नेक्स्ट, अ मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, इट्स कैश प्राइस वॉज 5,20,000 विच वॉज पेबल इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,80,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट पर 15% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट वुड बी, अब हमें बताना है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमारा कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। तो 15% रेट दिया है बेटा। हम लोग जर्नली यहाँ पे क्या करते थे, याद होगा कि कैश प्राइस दी हुई है 5,20,000, और इस 5,20,000 में से एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है विच वॉज पेबल 1,80,000 आपको हर साल इंस्टॉलमेंट देना है, और ईच हर इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो पहले साल आप इस पे 15% दोगे, निकालो कितना आ रहा है 15%, क्योंकि हमसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये पूछा है। तो ये इंटरेस्ट आ रहा है 78,000। क्लियर? और 1,80,000 का हमारा क्या था बेटा, इंस्टॉलमेंट। तो 1,80,000 में से अगर हम ये इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,02,000। इसका क्या मतलब है कि इस 1,80,000 में इतना तो कैश प्राइस था और इतना इंटरेस्ट था। अब इसको माइनस करो। अब देखो फर्स्ट ईयर के एंड में जो मेरे पास कैश प्राइस बची वो कितनी बची, 4,18,000। तो नो डाउट 15% का जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो किस पे देते हैं, 4,18,000 पे। तो 4,18,000 का आप जैसे ही 15% निकालोगे, 4,18,000 का आप जैसे ही 15% निकालोगे, आपके पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 62,700। क्लियर? तो सेकेंड ईयर हम इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं, 1,80,000, उसका मतलब इतना उसमें इंटरेस्ट है, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या होगा बेटा, कैश प्राइस। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पूछा था, जो कि हो जाएगा 62,700। नेक्स्ट, डैश मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। ये सेम क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बट सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन के लिए किया है। आपको भी हम ये चीज़ बता देते हैं कि अगर हम लोग बात करें बेटा WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, तो उसमें यूनिफॉर्म चार्ज होता है। अगर एक क्वेश्चन ऊपर से पढ़ोगे यूनिफॉर्म चार्ज, तो तुम लोग को लगेगा SLM की बात कर रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। कह रहा है डैश मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इज फॉलो टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन। अब यूनिफॉर्म चार्ज कैसे है, देखो हम लोग को पता है कि WDV की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है। हर साल वो डिक्रीज करता ही जाएगा। आपके एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, और जैसे जैसे आपका एसेट पुराना होता जाएगा बेटा, वैसे वैसे आपका रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में यही चीज़ बोला था कि यूनिफॉर्म रेट से। अब यूनिफॉर्म मतलब सिर्फ इंक्रीज या सब सिर्फ इक्वल नहीं होता, यूनिफॉर्म मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। तो WDV एक ऐसा मेथड है जहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा घटता जाता है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे जैसे असेट पुराना होता जाएगा वैसे वैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हैज अ डैश बैलेंस। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं पूछा था, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हो, यहाँ पूछा था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो ये बेसिकली सिर्फ अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स होता तो वो मेरे लिए हो जाता इनकम,
और अगर सिर्फ इनकम होता तो उसका बैलेंस होता क्रेडिट, बट यहाँ पे रिजर्व बोला है तो मिले क्या हो जाएगा असेट, और अगर असेट है तो वो क्या होगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, डैश कैन बी मेड पेबल टू द बियरर, बियरर को क्या पे कर सकते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू टू एज सर्टेन द डैश ऑफ अ बिजनेस। अब कह रहा है कि अगर कैपिटल एसेट को बेचे तो कैपिटल एसेट को बेचने पे क्या हुआ गेन हुआ, उस गेन को हम क्या बोलते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट, और अगर लॉस होता तो हम उसको कहते हैं अबनॉर्मल लॉस। तो अगर आप बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या इसका एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में हम अपने बिजनेस, हम जो बिजनेस रन करें उससे जो फ़ायदा नुकसान होता है वो लेते हैं। जैसे अगर मान लो मेरा जो बिजनेस है वो है लेस परचेज करके लेस मार्केट में सेल कर देने का, तो लेस का मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस से मेरे को जो फायदा नुकसान हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस। बट इसके बियॉन्ड, जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई लैंड फ्री थी हमने उसको रेंट पे दे दिया, या हमारे पास कोई असेट था जो बेकार हो गया था हमने उसको मार्केट पे सेल कर दिया, उससे भी तो फायदा नुकसान होता है, बट क्या वो आपके ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। जो आप बिजनेस स्टार्ट किया क्या उस बिजनेस से रिलेटेड वो प्रॉफिट लॉस है? नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते वक्त हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डैश प्रॉपर्टी मे बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में हम हमेशा क्या लेते हैं मूवेबल, क्योंकि अगर मूवेबल नहीं होता इमूवेबल होता तो कंसाइनर कंसाइनी को सेंड कैसे करता, नहीं कर सकता था। तो उस केस में अगर हम सेंड करें तो बट ऑब्वियस हम किस आइटम की बात करें, मूवेबल प्रॉपर्टी की। क्लियर। देखो यहाँ 52 क्वेश्चंस आपके दिए हुए थे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन कर ली है। इसके अलावा हमने पहले ही बताया क्लास की स्टार्टिंग में कि हमने एमसीक्यूज भी अपलोड किए हुए हैं पेपर 5 से रिलेटेड, एंड मैच द फॉलोइंग भी अपलोड किया हुआ है। तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स उस पर भी डिस्कशन करेंगे, एंड जैसे वो डिस्कशन मेरा ओवर हो जाएगा ना, हम पेपर 12 दैट इज़ कंपनी अकाउंट्स में जितने एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं एंड मैच द फॉलोइंग है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होना बेटा, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर पूछना, सो दैट हम उसको क्लैरिफाई कर सकें। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।